मार्केट कंटिन्यू नीचे आ रहा है, वीक्स बढ़ रहा है, ग्लोबल न्यूज़ भी काफ़ी आ रही है जो कि नेगेटिव न्यूज़ है। तो अब आगे क्या, ऐसे सिचुएशन में हम मंडे को या फिर अगले वीक में कैसे ट्रेड्स कर सकते हैं या हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या क्या होनी चाहिए, तो इस पर बात करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, हमें क्या ध्यान में रख के ट्रेड करना है, इस सारी बातें हम आज के इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीजे इन्वेस्टमेंट। मैं जागृति आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की, कि निफ्टी जो है कंटिन्यू, मार्केट जो है कंटिन्यू नीचे नीचे की तरफ आ रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो कंटिन्यू नीचे आ रहा है। ये मैंने डे वाइज चार्ट लगाया है। तो मार्केट अब इतना डाउन साइड आने के बाद में यहाँ पर जो है एक दोजी कैंडल बनी है और यहाँ पर एक पॉज मार्केट ने लिया है। अब वैसे अगर देखा जाए तो ये जो जोन है, हम इसमें डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या जो है इसकी, जैसे 19,200, 19,500 कौन से रेट पे जो है इसका बाइंग जोन है, ये हम बात करेंगे। लेकिन डे चार्ट पर हम पहले ये समझ लेते हैं कि निफ्टी क्या बिहेव कर सकता है नेक्स्ट वीक में, मंडे से फ्राइडे तक या मंडे से एक दो दिन अगले कुछ, या फिर मंडे को क्या बिहेव कर सकता है, हमें क्या ध्यान में रखना है। तो ये जो है ये स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है निफ्टी के लिए, हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है। लेकिन अगर इसे ब्रेक करता है और यहाँ पर सस्टेन कर जाता है तो फिर ये जो पूरा जोन है ये पूरा मार्केट के लिए सेलिंग जोन हो सकता है। हो सकता है कि इसके नीचे आए तो हम इसका 50% का एक स्टॉप लॉस पकड़ के चल सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट शायद पॉज ले। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो अगर यहाँ पर मार्केट सस्टेन कर गया इस जोन के नीचे, तो यहाँ तक मतलब 18,800 तक सेलिंग जोन ही बन रहा है। अब हम 15 मिनट चार्ट पर इसका एनालिसिस करेंगे कि 15 मिनट पर हमें जो है ट्रेड कैसे लेने हैं, इंट्राडे के ट्रेड्स हम कैसे लेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है वो है 19,250 से लेकर 19,200 तक। अगर इसके नीचे मार्केट चला जाता है तो एक होप 19,000 पर है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अब हमारा जो यहाँ से जो पहला रेजिस्टेंस है या पहला टारगेट हम कह सकते हैं वो है 19,360 का, और इसे अगर क्रॉस करके इस लेवल तक पहुँच जाता है 19,460 का, अगर इसे क्रॉस कर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा सेलिंग जोन है वो सेलिंग जोन है 19,460 से लेकर 19,630। ये हमारा जो है ये जो जोन दिख रहा है ये हमारा सेलिंग जोन है। अब यहाँ पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, कोई प्राइस एक्शन होता है, तो हमें तुरंत ध्यान में रखना है कि यहाँ से हमें फ्रेश बाइंग तब तक नहीं करनी जब तक कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ जाती, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं दिखती है तब तक। इस एरिया में मतलब 19,600 से लेकर 19,480, 19,500 तक हम इस एरिया को सेलिंग जोन मानकर चलेंगे, और जब तक 19,640 के ऊपर क्लोजिंग देती नहीं है एक स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ में, एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ में, तब तक हम जो है फ्रेश बाइंग के लिए नहीं जाएंगे। इस एरिया में हम सेलिंग के लिए ही जाएंगे, हमारे स्टॉप लॉसेस जो है वो स्ट्रिक्ट रहेंगे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी कैसे बिहेव कर सकता है और बैंक निफ्टी में हमें क्या क्या ट्रेड्स लेने चाहिए। तब तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ये आपके लिए फ्री है, मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। चलिए बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी अगर हम डे चार्ट पर चेक करें तो बैंक निफ्टी में कंटिन्यू फॉल जो है वो काफ़ी बड़ा फॉल हमें यहाँ पर जो है वो दिख रहा है, कि काफ़ी बड़ा फॉल बैंक निफ्टी में आया है। अब इतना बड़ा फॉल आने के बाद में एक बाइंग जो है हमें जो है वो एक अब इतना बड़ा फॉल आने के बाद में एक बाइंग जो है हमें एक्सपेक्टेड है कि अब यहाँ से थोड़ी बहुत एक बाउंस प्राइसेस में आना चाहिए, थोड़ा रिट्रेसमेंट प्राइसेस में आना चाहिए। तो वो रिट्रेसमेंट कौन से लेवल्स पर आएगा, अब हम ये चेक कर लेते हैं। तो हम 15 मिनट के चार्ट पर आ जाएंगे। सपोज 15 मिनट का चार्ट हमने लगा लिया है, यहाँ पर ये जो एरिया है ये हमारा स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। ये जोन कौन सा है, 43,360 से लेकर
43,560। ये जो एरिया है ये हमारा स्ट्रॉन्ग, इस एरिया में हमें अगर बैंक निफ्टी मिलता है तो हम बाइंग के लिए ही जाएंगे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। चांसेस बहुत ज़्यादा है कि यहाँ से प्राइजेस जो है बैंक निफ्टी में बाउंस आए, बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाए। एक नेक्स्ट वीक पे हम थोड़ा ग्रीन साइड में बैंक निफ्टी को देखने की एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो है प्रीवेबली वो ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। अब हमारा यहाँ से सपोज़ इस एरिया में अभी जो क्लोजिंग हुआ है 43,793, तो हाँ एक छोटा सा जो सपोर्ट है वो है 43,730 का। ये एक छोटा सा सपोर्ट है यहाँ पर, इस सपोर्ट को भी हम एक छोटा सा सपोर्ट मानकर चल सकते हैं। हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो 43,950 का रहेगा, और ये जो एरिया है 43,950 के बाद में 44,000 जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। इस एरिया को अगर क्रॉस कर जाता है तो 44,200 ये हमारा एक सेलिंग एरिया हो सकता है। मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हम बहुत ज़्यादा प्राइजेस जो है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत बड़ा मार्केट में अपसाइड दिख सकता है, क्योंकि न्यूज़ भी जो है नेगेटिव चल रही है, वीक्स भी बड़ा हुआ है तो मार्केट में इसका प्रेशर आता ही है। तो हमें ये दिमाग में रख के चलना है कि मार्केट जब भी ऊपर आएगा ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ सकता है, तो ऊपर के साइड में हम सेलिंग के लिए ही जाएंगे। अब इसके आगे अगर निकलता है 44,500, जब तक बैंक निफ्टी क्लोज नहीं कर देता उसके ऊपर, तब तक हम फ्रेश बाइंग के लिए नहीं जाएंगे। इस एरिया में और इस एरिया में हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा ढूंढेंगे, और इस एरिया में और इस एरिया में हम बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बैंक निफ्टी में ढूंढेंगे। ठीक है, तो इस एरिया में कहीं आता है तो हम बाइंग के लिए जाएंगे, और इस एरिया में कहीं आता है तो हम सेलिंग के लिए जाएंगे। ये स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारे लिए वर्क करेगी। अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी जो है, फिन निफ्टी का ग्राफ जो है वो देख लेते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है फिन निफ्टी का। जैसे कि हम देख सकते हैं कि फिन निफ्टी में भी एज यूजुअल बैंक निफ्टी नीचे आया है, फिन निफ्टी भी नीचे आया है। जैसे कि दोनों साथ साथ में ही चलते हैं, मोर और लेस वेटेज की नहीं, मोर और लेस जो है ये बैंक निफ्टी की तरह ही बिहेव करता है। अब यहाँ पर जो है ये बाइंग एरिया है फिन निफ्टी के लिए। जैसे कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, फिन निफ्टी भी स्ट्रांग हो सकता है। तो 19,445 ये जो है यहाँ पर हम बाइंग के लिए जा सकते हैं, अगर इस एरिया में कहीं हमें मिलता है। हमारा पहला टारगेट रहेगा 19,580 का, और दूसरा टारगेट रहेगा 19,700 का। अगर इसके ऊपर निकल जाता है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, तो इस एरिया में 19,920,000 इस एरिया में फिन निफ्टी जो है वो रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। इस एरिया में कहीं चला जाता है तो हम वहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं, अदरवाइज़ इस एरिया में हम बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ ही ढूंढेंगे। तो ये हमारा प्लान था निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए, कि हम इस तरह से ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी में हम बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा ढूंढेंगे अगर इसी एरिया में कहीं हमें ओपनिंग मिलती है, या इसी एरिया में हमें बैंक निफ्टी के रेट्स मिलते हैं तो हम बाइंग के लिए ज़्यादा जाएंगे। निफ्टी में हमें कॉशियस रहना है कि निफ्टी जो है बाइंग जोन में तो है, लेकिन अगर उस एरिया को जो सेलिंग एरिया, जो बाइंग एरिया, उसको अगर क्रॉस कर जाता है तो एक बहुत बड़ा फॉल निफ्टी में हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो ये हो गए हमारे मंडे से लेकर कुछ दिनों के लिए, 2-3 दिनों के लिए प्लान। तो अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें हम डेली सपोर्ट देते हैं कि मार्केट में क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, मार्केट क्या बिहेव कर सकता है, आज क्या स्ट्रांग है, निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, या मार्केट के क्या रेट्स, आज क्या रेंज रह सकती है, उस रेंज के हिसाब से जो ट्रेडिंग है काफ़ी ईजी हो जाती है। कि एक बार हमें रेंज पता चल जाए कि इस रेंज में अगर कहीं मार्केट आता है तो मार्केट जो है यहाँ से नीचे आएगा, और इस रेंज में कहीं आता है तो मार्केट ऊपर जाएगा। हम डेली बेसिस पे रेंज जो है मार्केट की डालते रहते हैं, और ये भी आपको गाइड करते रहते हैं कि आज मूवमेंट किस में ज़्यादा हो सकता है, आपको किस में ज़्यादा ट्रेड्स करने हैं। तो इस तरह का सपोर्ट आप अगर चाहते हैं तो हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। कोई भी एक अकाउंट आप ओपन कर लीजिए और 2-3 ट्रेड करके हमें स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए। आप जैसे ही स्क्रीनशॉट हमें मिल जाएगा, हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप में हम आपको ऐड कर लेंगे।
इसके साथ ही अगर आप ऑप्शंस सीखना चाहते हैं, मार्केट सीखना चाहते हैं, टेक्निकल सीखना चाहते हैं, तो टेक्निकल का कोर्स भी हम लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप ऑप्शंस सीखना चाहते हैं तो ऑप्शंस का कोर्स अभी अवेलेबल है, रिकॉर्डेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जूम बेस्ड लाइव कोर्सेज भी अवेलेबल है। लाइव कोर्सेज में आपके डाउट जो है वो तुरंत क्लियर किए जाएंगे। तो आप अगर सीखना चाहते हैं, ऑप्शंस सीखना चाहते हैं, तो जो कोर्सेज अवेलेबल है वीजे फिनकैप इस ऐप में, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप ये कोर्सेज जो है ले सकते हैं। इसी के साथ ही आप अगर टेक्निकल का कोर्स करना चाहते हैं तो वो कोर्स भी हमारा जो है कुछ ही दिनों में अवेलेबल हो जाएगा, आप उसे भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और वीडियोज़ के लिए मुझे मोटिवेशन मिलती रहे।